चैनल सक्सेस आपका स्वागत है। तो मेरा नाम आशीष है, मैं केमिस्ट्री आपको दिखाऊंगा। अब देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज कैसे, किस बातों पर न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो हम देखेंगे उसमें न्यूट्रॉन की खोज। जैसे हमने एक अणु लिया हीलियम, हीलियम आप जानते हैं हीलियम का ये सिंबल होता है, इसका क्रमांक 2 होता है। आप जानते हैं कि जो पदार्थों का क्रमांक होता है उसको प्रोटॉनों के ही नंबर मानते हैं। तो साइंटिस्टों ने देखा हाइड्रोजन का क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का क्रमांक 1, इस क्रमांक पर कंपेयर किया। जैसे हीलियम का क्रमांक 2 होता है, ऐसे लिया जाए एक अणु में दो, अब इसको ऐसे लिया जाए, ये आपका ये हो गया, ऐसे नहीं रखते भाई, ऐसे रखते हैं, ये दो अणु लिया गया। हम इसको तौलते हैं, जिसको करते हैं इस पे हम माप देते हैं आपकी, ये इस पे माप देते हैं, पैलर नहीं होता कुछ, आपका ऐसे बन जाएगा ये, क्यों भाई, सॉरी ऐसे, मतलब ये आपका भाग नीचे हो जाएगा, ये भार ऊपर हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो हीलियम का दो अणु, हीलियम में दो होते हैं और हाइड्रोजन का हमने दो अणु ले लिया, तो बराबर होना चाहिए ना, जैसे हीलियम का दो होता है एच ई, हीलियम का दो होता है तो हाइड्रोजन का हमने दो रख दिया, दो इसके क्रमांक पे इसके हमने इसका भी दोनों लिया। तो इसे सोचे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो रीजन होगा। जब उन्होंने और कुछ किया, इस हाइड्रोजन को उन्होंने 4 रखा, हीलियम को एक अणु में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो प्रोटॉन है, तो इस हाइड्रोजन को उन्होंने 4 लिया। तो उन्होंने क्या किया कि हीलियम के जो दो अणु थे और हमने कंपेयर किया, वेटिंग हमारा इंपेलर हो गया, ये आपके बराबर हो गए। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो भाई मतलब होगा कि हम जब हीलियम के एक ही अणु के दो प्रोटॉन हैं, तो जैसे इसमें का हाइड्रोजन का एक अणु होते हैं, तो इसमें भी एक प्रोटॉन होते हैं, तो जब दो रखे तो वह इसका वेट ज़्यादा निकला, इसका वेट कम। तो उन्होंने सोचा कुछ तो बात और होगी कि एक ही अणु में दो, ये दो तो अणु है, प्रोटॉन दो और दो प्रोटॉन है, लेकिन इसने जब दो रखा तो दो प्रोटॉन ये भी हो गया, तो कंपेयर नहीं हुआ, इक्वल नहीं बना, तो कम वेट करने पर यह वेट ज़्यादा हो गया या कम, जब 4 रखे तो यह बैलेंस हुआ। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसी हुई। तो भाई देखो, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा किरण की बमबारी की, कौन सी किरण की, अल्फा किरण की बमबारी की। तो उन्होंने जब तब उन्होंने निकाला, देखो कैसे करते हैं, ये आपकी हम स्रोत लेते हैं, जो आपका अल्फा कण बनेगा, ये अल्फा कण बना, तो यह कुछ इस प्रोसेस के बनता हुआ निकलेगा। तो एक बेरिलियम की हमने प्लेट रखा इस अल्फा कण को बमबारी कराने पर, इस अल्फा कण को इस पर बमबारी कराने पर, बीई बेरिलियम होता है जो उसका, ये बेरिलियम हो गया, इस पर बमबारी कराने पर। तो देखते हैं जब बेरिलियम को भेदे ये अल्फा कण इस पर प्रतिपादित होता है, तो भेदने बाद जो कण बचता है वो हमारा उदासीन, उन्होंने देखा यह कण जो मिला हमको उदासीन, मतलब ये अल्फा कण को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और चुंबकीय सब तरह पे देखा गया, यह निकला आपका उदासीन, 0 कुछ चार्जेस नहीं मिला, उन्होंने कुछ चार्जेस नहीं मिला। लेकिन तब उन्होंने एक बात और देखा, चलो भाई इस धातु की बनी हुई चीज पे नहीं निकला, एक वैक्स की धातु में रखते हैं, वैक्स आप जानते हैं WAX, वैक्स मोम को कहते हैं, मोम की एक प्लेट रखें या एक मोम की बनी हुई छड़ लिए, उस छड़ पे जब यहाँ पे प्रतिपादित हुआ तो उन्होंने देखा सभी किरणें पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव सभी किरणें क्या निकल गई, पॉजिटिव हो गई, जो वैक्स के रखने के बाद, जब ग्रेनियम और वैक्स के बीच में किरण उदासीन थी और उसके बाद निकले पॉजिटिव, उन्होंने सोचा ऐसा बात क्या हो गया कि जब बेरिलियम और वैक्स के बीच में कोई चार्जेस नहीं निकला। तो उन्होंने कुछ अपनी भाई
साइंटिस्ट लोग हैं, प्रयास करते करते तो उन्होंने सोचा कि कोई भी मेटल होगा उसमें तीन अणु रहते हैं। जैसे कोई एक एटम बनता है, सेंटर में आपका पी होता है, एन होता है, पी एन, पी एन नॉट होता है, पी आपका पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन आपकी नाभिक के चारों तरफ घूम भ्रमण करता रहता है। तो जो बीच का पार्टिकल होता है उसको उन्होंने माना न्यूट्रॉन, उन्होंने अपना सिंबल दे दिया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन रखा, जब रख दिए न्यूट्रॉन तो कुछ अवमतभेद हो गया, भाई इसका चार्जेस कुछ तो बताइए आप। तो उन्होंने चार्जेस बताया जीरो, क्योंकि जीरो इसलिए बताया गया कि आप देख रहे हैं कि बेरेलियम और वैक्स, वैक्स माने मोम, इन दोनों के बीच में कोई चार्जेस नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या मिला, प्रोटॉन, जो आपको प्रोटॉन प्रोटॉन आपको मिला, लेकिन बीच में तो उन्होंने कुछ है, बस उनको उन्होंने मान लिया ये न्यूट्रॉन है। तो यह बात सिद्ध होता है कि कोई बेरिलियम का एक छड़ लिया जाए, एक धातु की बनी बेरिलियम की छड़ लेने के बाद अल्फा रे, अल्फा किरण की बमबारी करने के बाद और एक वैक्स के प्लेट रखने के बीच में, इन दोनों के बीच में जो किरण निकलती है उसको उन्होंने चैटविक ने क्या माना, न्यूट्रॉन। उन्होंने क्या माना, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों देखते हैं, बेरिलियम का हमने एक तत्व लिया जो उसका क्रमांक चार होता है, अणुभार उसका नाइन्थ होता है, पाइस टू प्लस, और हीलियम प्लस, हीलियम का क्रमांक दो होता है, भार उसका चार होता है, प्लस फोर प्लस जीरो जीरो एम पावर एन। तो हम इसको बताते हैं, जब बेरिलियम का हमने बमबारी किया हीलियम का, बेरिलियम के तत्व पर हीलियम का बमबारी करने के बाद हमको ये प्राप्त होता है। तो देखते हैं भाई, जो इसका अणुभार है, देख रहे हैं ना आप लोग, इसका अणुभार बेरिलियम का आपका अणुभार होता है नाइन, अणुभार क्या होता है नाइन। तो जब इसमें हीलियम का बमबारी होता है, बमबारी मीन जैसे कम, बमबारी जैसे कम होना, इसका दो, इसका जैसे चार है तो इसके दुगना, इसमें दुगना सब अपोजिट होगा आपका निकलेगा, ऐसे दिखाते भाई निकल रहा है आपका, ये बी ई फोर प्लस, फोर प्लस फोर प्लस ई अपॉन टू क्रैश, उसके बाद आपका निकलता है सी सिक्स बारह, बारह प्लस यन जीरो वन, वो जीरो ये आपका क्रमांक है, आपका भार है। तो देखिए, जब बेरिलियम, बेरिलियम का बमबारी हीलियम पे होता है, हीलियम पे होने बाद आपका बनता है क्या, ये कार्बन, कार्बन का आप जानते हैं क्रमांक सिक्स होता है, अणुभार 12 होता है, और आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका जो निकलता है यन वाला पोर्शन, इसी को कहते हैं आपका न्यूट्रॉन, इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो देखते हैं भाई, जब इस बेरिलियम के बने हुए एक प्लेट पर हीलियम का बम्बार, मतलब बम्बारी का थिंग से कि इसने एड, मतलब कुछ और क्रिया करने पर, तो हमारा यहीं से आपका अणुभार जोड़ दो, आप जोड़ सकते हैं, इस 9 और 4 को जोड़ने पर आता है 12, और इस 6 2 को जोड़ने पर आता है 6। तो आप जानते हैं कि कोई भी आपने देखा हुआ पीरियाडिक टेबल नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं, कार्बन का भार होता है 12, क्रमांक होता है 6, और बचा 1, देख रहे हैं ना, ये 14, ये देखो 13 होता है, लेकिन इसको हमें 12 रखना है। तो ऐसे भाई यही हमने निकाला है, आपका एक बचा हुआ भाग को इधर रख दिया, वो आपका क्या हो गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भार आपका ये निकला, लेकिन उसका आवेश नेगेटिव, कुछ नहीं होता आवेश। आप जानते हो कि ई का इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, पी माने प्रोटॉन उसका प्लस चार्ज होता है, यन न्यूट्रॉन का आपका जीरो चार्ज होता है। तो हमसे इससे ज्ञात होता है कि न्यूट्रॉन का आवेश कुछ नहीं है, लेकिन वेटेज उसका है एक, उसका वेट क्या है, एक। हमने आपको दिखाया था ना, एक हीलियम का रखा हुआ अणु है और एक दो दो हाइड्रोजन के अणु लिए, हीलियम के अणु हैं और दो हाइड्रोजन के हैं, तो हमने वेट किया, जब इसको तौले हमने तो ये भारी निकला, ये हमारा भारी निकला, लेकिन जब हम ये चार कर दिए यहाँ पर तो ये पैरेलल हो जाता है, समांतर हो जाता है भाई, यह हमने चार अणु जब दिया तो ये तौलने पर ये समान हो जाता है। तो उन्होंने ज्ञात किया कि कैसे चार चार होने पर समान होता है, आप जानते हैं कि इसका क्रमांक एक होता है तो इसमें प्रोटॉन एक ही होगा,
तो ऐसे जब दो रखे, इसमें देखिए आपका दो होता है, इसमें दो प्रोटॉन होंगे, दो न्यूट्रॉन होंगे, तो दो नहीं चार हो जाएगा। ये दो प्रोटॉन हो गए तो दो न्यूट्रॉन भी होंगे, दो न्यूट्रॉन दो तो चार हो गया, तो यही चार होगा तभी आपका ये बैलेंस होता है। तो चैडविक ने ज्ञात किया कि नाभिक में जो आपका सेंटर पॉइंट नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है तभी आपके यहाँ पे बैलेंस होते हैं, तभी आपके यहाँ पे बैलेंस होता है। तो देखते हैं भाई, तो हम भाई देखते हैं कि इस बमबारी साहब ने क्लियर हो गया। तो एक बात और थी जो मोम की, इसमें भाई कुछ है नहीं, मोम की जो प्लेटें लगाते हैं वो प्लस चार्जेस निकलते हैं आपके, मोम की प्लेटें का जो होता है वेक्स, वेक्स होता है आपका, वो प्लस चार्ज होता है आपका, वो आपका क्या होगा प्रोटॉन होता है। बीच में बने हुए चीज क्या होता है आपके, जो निकलते बेरिलियम का प्लेट होता है अल्फा कण से बमबारी कराने पर, ये अल्फा कण का बमबारी हो गया बेरिलियम की धातु पर, तो आपका क्या होगा उदासीन, उदासीन को इन्होंने क्या माना है भाई न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन को इसको न्यूट्रॉन माना, इसको प्रोटॉन। लेकिन ये भी कुछ बातें चली कि भाई आपने वेक्स पे क्यों लिया, और कुछ नहीं ले सकते धातु पे, लेकिन उन्होंने ज्ञात किया कि जो यह न्यूट्रॉन चार्ज है, यह न्यूट्रॉन का चार्ज है, नगण्य है, नगण्य में कुछ जीव कुछ भी नहीं, लेकिन जब ये मोम की तार क्यों रखा, क्योंकि सॉफ्ट हल्का होता है, इस किरण को भेद के पार हो सका, इसलिए इसको रखे। बहुत सी धातुओं पर इन्होंने खोज किया, इन्होंने देखा कि ऐसा बात नहीं निकल पाया, तो इन्होंने देखा कि भाई चलो कोई और मेटल लिया जाए, या नेचुरली उन्होंने वुड पर लिया, लकड़ी पर, और कांच की नली पर लिया, कांच भी रखे कुछ नहीं हुआ, सोने की चादर लिया तो भी नहीं हुआ, लेकिन भाई साइंटिस्ट लोग हैं, बार बार प्रयास करेंगे और करेंगे, करते रहेंगे, जब तक नहीं निकलेगा वो होता रहेगा। लेकिन 1932 में इन्होंने फिक्स कर दिया कि यह वैक्स पे ही निकलेगा और किसी पे नहीं। इन्होंने देखे बेरिलियम को और हीलियम की बमबारी करने के बाद आपको निकला नहीं, यहाँ पर नॉट प्लस नॉट एन 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 घाते वन, मतलब इसका द्रव्यमान एक होता है, द्रव्यमान एक होता है, और इसकी चार्जेस क्या होती है, कुछ नहीं होती, कुछ माने से नगड़ होती, जीरो। तो आप जानते हैं प्रोटॉन की चार्जेस क्या होती है, पी पॉजिटिव होता है, एन नेगेटिव होता है, लेकिन वेट क्या है इसकी, एक होती है, इसका द्रव्यमान एक होता है, और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई देखते हैं और कुछ बातें से आपको न्यूट्रॉन की, आपकी न्यूट्रॉन की देखते हैं कैसे आप क्या नली कहाँ से। चलो एक नली हम आप लोग पहले से डिस्कस कर रहे हैं, एक हमने नली लिया भाई, ये आपका ट्यूब्स में हवा कम करने के लिए रखे हैं भाई, अब हमारी जो तीनों पार्टी चारों पार्टी हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज पर, ये आपका कंप्लीट कर देगा कि क्या क्या बातें हो रही है। इसमें मान लीजिए आपका टेस्ट हो रहा है, ये आपका प्लस चार्जेस होता है आपका एनोड, आपका क्या हो जाएगा एनोड, ये प्लस चार्जेस आपका एनोड होगा, माइनस चार्जेस कैथोड, कैथोड। तो हमने आपको शुरुआती दौर में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी तो बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन की खोज हमने आपको बताया था कि ये सर्वप्रथम हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज माने 1000 ले सकते हो, 10000 ले सकते हो, मतलब 1000 से पार रहे, इसमें धारा फ्लो कराते हैं, फ्लो कराने के बाद ये धारा ऐसे बहेगी, जब धारा इधर बहती है ये आपकी माइनस चार्जेस बन के निकलेगी, इस कैनाल की प्लेटें से या कैनाल की किरण आपकी इधर निकलेगी, यह नीली नीली रंग की किरण निकलेगी, हमने आपको बताया था कि यह नीली रंग की सीधी रेखा निकलेगी, इसकी द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। फिर उसके बाद हमने आपको प्रोटॉन की खोज बताई थी, या कैथोड किरण को हमने इस साइड रखा, थोड़ी सी इस छोर से गैप देकर, इधर रखने के वजह निकाला कि जब यह कैथोड किरण, कैथोड किरण की जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये चार्जेस भाई कोई भी हो, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ माइनस होगा, ये गमन तो करेगा, ये भी जैसे ये जा रहा है इधर वैसे ये भी जाने का प्रयास तो करेगा कुछ, भाई स्वाभाविक है। कोई अपने आपने न्यूटन ला पढ़ा होगा, कोई जो आप ऐसे पुश करेंगे तो आपको रिडक्शन करेगा, तो वैसे ये प्लस किरण आपकी गई, प्लस किरण गई कैथोड की ओर, जो कैथोड किरण से प्रसारित हुई उसको कैनाल किरण कहते हैं, कैनाल किरण को ही प्रोटॉन माना गया, किसने माना गया रदरफोर्ड ने, किसने माना रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन का खोज जो थॉमसन ने माना था
रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का, प्रोटॉन का जो किरण जो निकल रहा है कैथोड किरण से कैनाल किरण कहते हैं। कैनाल किरण को खोज किसने की थी? डब्ल्यू वाइन ने, डब्ल्यू वाइन ने। लेकिन कैनाल किरण का नाम किसने दिया था? गोल्ड स्पिन ने दिया था। कौन ने दिया? गोल्ड स्पिन। तो देखते हैं कि यह किरण जो प्रतिपादित होती है इधर से निकलती, इधर देखो इधर पॉजिटिव कुछ किरण निकलेगी भाई, इसमें भेदेगा कुछ, भले से इसका वेट कम, हमने आपके दिखाया था इसका गुण में या प्राकृत में कि एनोड जो धनावेश किरण होती है कैथोड की, कैथोड थोड़ी गमन होती है वो कम चार्जेस उसका होता है, कम वेट होता है निकली। लेकिन और इसमें एक थ्योरी और चेंजेस हो जाता है, जब यह कैथोड माइनस चार्जेस है और एनोड प्लस चार्जेस है, कुछ आपके मिलेंगे जैसे यहाँ पर आपका माइनस चार्ज हो गया ए प्लस, ये जाकर समूहित हो गया, प्लस माइनस उदासीन हो गए, तो यहीं से निकलता है आपका न्यूट्रॉन, यहीं से आपका भी निकलता है न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन उसे कहते हैं जो एक एक साथ में दोनों हो, एक साथ में दोनों हो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। तो जो नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन पहले बैलेंस ही पड़ा रहता है, ये माइनस आप समझ सकते हैं, जो बैलेंस रहेगा आप उसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन प्रोटॉन जो रहेगा आपको डिस्टर्ब करेगा, तो उसको कहता है भाई आप हमारे इर्द गिर्द घूमते रहो। तो यहाँ से आपका कंप्लीट होता है हमारा इस सेक्शन पार्ट फोर। तो देखते हैं भाई अगले वीडियो में हम देखेंगे परमाणु की संरचना। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट नंबर 5 होगा, तो उसमें देखेंगे भाई। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सक्सेस चैनल को। ठीक दोस्तों, नमस्कार।